Question number 3. This question is from integration. A curve is such that dy over dx is equal to 3 into 4x plus 5 power 1 over 2. It is given that the points 1, 9 and 5a lie on the curve. Find the value of a. This is the gradient of the curve. This is the gradient expression. हमें कर्व का ग्रेडियंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ग्रेडियंट, और दो पॉइंट्स दिए हुए जो कर्व के ऊपर लाई करते हैं, 1, 9 और 5a. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट दिस ग्रेडियंट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, dy ओवर dx is equal to 3 into 4x plus 5 power 1 over 2. जब हमने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड पे, तो dy और dx जो है ये विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट होगा, तो ये y रह जाएगा. तो राइट साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, 3 into 4x plus 5 power 1 over 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है. 3 जो है दिस इज जस्ट एन मल्टीपल, तो 3 रिमेन्स एज सच. 4x प्लस 5 पावर इसकी है 1 ओवर 2. 1 ओवर 2 में 1 ऐड कर देंगे तो वो 3 ओवर 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 3 ओवर 2 लिख देंगे. अब हमने क्या करना है, विद इन ब्रैकेट जो है ये दो टर्म्स हैं 4x प्लस 5, इसकी इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम. प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये कैंसल आउट, वाई इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाता है. वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 5 पावर 3 ओवर 2, डिनोमिनेटर में 2 है, प्लस c. अब हमने क्या करना है कि ये दो पॉइंट्स गिवन है जो कर्व के ऊपर लाई करते हैं. एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. ये इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास आ गई है, और यहां इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 1, 9 और 5a. दोनों पॉइंट्स हम इस कर्व के ऊपर इस कर्व में पुट कर देंगे, 1, 9 और 5a. ये दो पॉइंट्स हैं जो कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 1, 9 पॉइंट जो है ये पुट करते हैं इस कर्व में. y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 1 है. So, so it will become 9 is equal to 4, x की वैल्यू 1 है, तो ये 4 प्लस 5 रह जाएगा, 4 प्लस 5 पावर 3 ओवर 2 ओवर 2 प्लस c. यहां से c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 9 पावर 3 ओवर 2 ओवर 2 प्लस c. सिंप्लीफाई करेंगे, जो 9 की पावर 3 ओवर 2 है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर पावर 3 ओवर 2 प्लस सी. ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर 3 रह जाएगी, 27. तो सो 9 इज इक्वल टू 27 ओवर 2 प्लस सी. तो फ्रॉम हेयर c इज इक्वल टू 9 माइनस 27 ओवर 2. बाय टेकिंग एलसीएम वी कैन फाइंड c की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस 9 ओवर 2 आ जाएगी. अब c की वैल्यू हम ऐसी इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व में, यहां पे
लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब इस कर्व की इक्वेशन में दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी. अब सी की वैल्यू जो है यहां पे हम -9/2 ले रहे हैं. तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस 5 पावर 3/2 ओवर 2 प्लस सी. सी की वैल्यू है -9/2. अब हमने क्या करना है, अब हम ये दूसरा पॉइंट पुट कर देंगे इसमें, दैट इज 5 ए की वैल्यू जो है दिस ए इज द वैल्यू ऑफ वाई और एक्स की वैल्यू 5 है. तो यहां से हम ए फाइंड कर सकते हैं. तो ए इज इक्वल टू वाई की जगह पे ए, एक्स की जगह पे 5. यहां पे 5 4 20 प्लस 5 25 आ जाएगा. 20 प्लस 5 यहां पे एक्स की वैल्यू जो है हमने 5 पुट की है. पावर 3/2 ओवर 2 -9/2. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट ए इज इक्वल टू 25 पावर 3/2 ओवर 2 -9/2. फ्रॉम हियर ए इज इक्वल टू 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5/2 होल पावर 3/2 ओवर 2 -9/2. और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. 5 की पावर 3 जो है दैट इज 125. तो सो ए इज इक्वल टू 125 ओवर 2 -9/2. बाय टेकिंग एलसीएम वी कैन फाइंड ए इज इक्वल टू 116/2. तो फाइनली वी गेट ए इज इक्वल टू 116/2, वी गेट 58. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द आंसर.